सर बोल चंपा का पौधा यस चंपा का चंपा से चंपा का नाम इसी से पड़ा कमहीन चंपा से चंपा का चंपा का विकास नमस्ते दोस्तों मुहिम चंपा से चंपारण जिस चंपा के पौधे के नाम से हमारे चंपारण का नाम है वो विलुप्त होता जा रहा है तो हम सबका ये कर्तव्य है कि चंपा के पौधे को सभी लोग कम से कम हर व्यक्ति अपने हाथ से एक एक चंपा लगाए ताकि चंपा जो है चंपा का पौधा जो है वो फिर से लहलाने लगे चंपारण में। और इस मुहिम को चला रहे हैं हमारे भैया सुशील भैया तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये चाहता हूँ मैं भी आज अपने हाथों से लगाऊंगा चंपा माउंट लिट्रा जी स्कूल में। हाँ माउंट लिट्रा जी स्कूल में हम शुरुआत करेंगे इसकी तो आप लोग भी इस अभियान से जुड़ जाइए और जो चंपारण का गौरव है उसे आप लोग जितना ज्यादा लगा सकते हैं लगाइए ये आपसे प्रार्थना है हमारी विनती है। सर तो क्या आपके अपकमिंग मूवी में चंपा से चंपारण का कोई जिक्र रहेगा? बिल्कुल रहेगा उसमें क्या है। अरे आप एक बात बताइए कि आज पूरे दुनिया में मुहिम चल रही है एनवायरनमेंट को लेके पर्यावरण को लेके तो ये तो बहुत ही नेक काम है बहुत अच्छी बात है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको क्या देके जाएंगे अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं। हम तो जहाँ शूटिंग भी करने जाते हैं वहाँ भी लोगों को ये जागरूक करते हैं खुद लगाते हैं पौधे और उनसे भी कहते हैं कि अगर आप सच में निरहुआ को प्यार करते हैं तो मेरे नाम पे एक पौधा लगा दें। तो बिल्कुल हम इसको अपनी फिल्मों में भी लेके आएंगे करेंगे। सुशील भैया तो एक बार हम कहीं पढ़े थे बोले फिल्म में आएंगे आए ही नहीं हम तो इंतजार ही करते रहे कहानी लिखते हैं लेकिन लिखते हैं बड़ा अच्छा लगा था आपको देख के और आपने बहुत गौरव बढ़ाया।